मेरा नाम अमन शर्मा है, मैं बिलोंग करता हूँ सिटी यमुनानगर से। स्टोन का प्रॉब्लम तो था मुझे काफ़ी टाइम से था, बट आई डेंट गेट द राइट ट्रीटमेंट मुझे मिल ही नहीं पा रहा था। तो मैंने ट्राई किया अलग अलग सोर्सेज से, यमुनानगर में होम टाउन में भी अपने डिस्ट्रिक्ट में ट्राई किया, पर वो वाला सर्जरी अनसक्सेसफुल रहा और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो आई गॉट द रिकमेंडेशन ऑफ RP स्टोन क्लिनिक फ्रॉम माई वन ऑफ रेफरेंस। एक रेफरेंस ने मुझे रेफर किया कि आप पवन कुमार सर को दिखाओ, डॉक्टर पवन कुमार को, और एक बार उनसे मिल के आओ, क्योंकि मेरा ना एक मिथ था कि हमने जो टांके वाला ऑपरेशन नहीं कराना, स्टिच वाला ऑपरेशन नहीं कराना। सो ही रिकमेंडेड कि यहाँ पे एक नया ट्रीटमेंट होता है जिसको RIRS बोलते हैं, जहाँ पे आपको स्टिच नहीं लगेगा पर बिना स्टिच के आपकी सर्जरी हो जाएगी, पूरी स्टोन रिमूव कर देंगे। सो हुआ ऐसा कि ओवरनाइट जब वो मैं ट्रीटमेंट यमुनानगर से करा रहा था, तो अचानक मेरी किडनी में यूरिन ब्लॉक हो गया, तो स्टोन मेरे यूरेटर में आके फंस गया और आई वॉज सो पैनिक। सो आई डायरेक्टली कॉल्ड RP स्टोन क्लिनिक ऑन दैट टाइम एंड दे रिकमेंडेड टू कम देयर। सो मैं यहाँ पे आया एंड जो यू नो इंटरेक्शन होती है, तो फर्स्ट इंटरेक्शन विद द डॉक्टर वाज सो पॉजिटिव कि जहाँ से आपको पता लगता है कि आपका ट्रीटमेंट अच्छा हो जाएगा और आपके साथ बड़े सपोर्टिव लोग हैं। सो डॉक्टर गेव मी अ राइट डायरेक्शन, उन्होंने मेरे से काफी बात की, डिटेल डिस्कशन की, मेरा पूरा स्कैनिंग हुआ एंड देन दे गेव मी अ कॉन्फिडेंस कि आप ठीक हो जाओगे। सो इवन वन मोर थिंग कि मैंने चंडीगढ़ में भी काफी सारे हॉस्पिटल्स में दिखाया पर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। सो जब मैं यहाँ पे आया तो आई गॉट द राइट सेटिस्फेक्शन, जहाँ पे मुझे डॉक्टर साहब ने काफी अच्छा गाइड किया, जिसकी वजह से मेरी सारी स्टोन रिमूव हो गई है। मेरी लेफ्ट किडनी में भी स्टोन था, राइट किडनी में भी स्टोन था, पर आज के टाइम पे मेरी दोनों किडनी में स्टोन नहीं है। एक होता है प्री ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेशन आपका बिहेवियर कैसा है, आपके साथ कैसा है स्टाफ। तो जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बड़ा फ्रेंडली और उमली एनवायरनमेंट लगता है कि एवरीवन इज कि आप ठीक हो, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई नहीं, आपको नींद तो नहीं, नींद आ रही है या नहीं आ रही है। तो एवरीवन इज सो यू नो मैनेज पीपल कि आप लोग आके डिस्कस करते हैं कि आप ठीक बिहेव कर रहे हो, मतलब ठीक फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इन केस ऑफ डॉक्टर साहब का भी यही है कि एवरी टाइम अगेन ही ट्रीटेड मी लाइक हिज सन कि अमन बेटा ठीक है ना, तो सब ठीक है, पोस्ट सर्जरी, प्री सर्जरी भी और पोस्ट सर्जरी भी। सो आई विल ऑलवेज, और उसके बाद मैंने खुद भी काफी लोगों को रिकमेंड किया है RP स्टोन क्लिनिक, बिकॉज क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट अच्छा हुआ है तो मैं चाहता हूँ मैं लोगों को भी राइट एडवाइस और राइट गाइड करूँ कि यहाँ पे आए और अच्छा ट्रीटमेंट कराएं यहाँ पे आके, एंड होप फॉर द बेस्ट कि मैं आगे ठीक रहूँ। अब दोबारा कभी मिलने आऊँ तो खुशी खुशी मिलने आऊँ, और नहीं तो ये लोग तो साथ हैं, ये सपोर्ट तो कर ही रहे हैं। थैंक यू।